जबकि आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात भी कम ना हो सकी। नैब रावलपिंडी का बड़ा इकदाम, साबिक सदर के खिलाफ करप्शन केसेस में जिमनी रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप की कंपनियां शामिल हुई। नैब रावलपिंडी ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन केसेस में जिमनी रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप की कंपनियां भी शामिल हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस रेफरेंस में फरियाल तालपुर भी नामजद की गई। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर समित बैंक में कुर्दबुर्द का इल्जाम है। मुलजमान पर मुख्तलिफ कंपनियों को गैर कानूनी तौर पर फंड जारी करने का भी इल्जाम है। रेफरेंस में 24 मुलजमान को नामजद किया गया। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया है। मुलजमान पर 2150 मिलियन रुपए की रकम गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने का इल्जाम है। नैब रिपोर्ट में बताया गया कि जाली बैंक अकाउंट केस से मुतालिक मजमूई तौर पर 26 इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन जारी हैं। जाली बैंक अकाउंट केस के बारे में तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शुरू हुई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब सरदार मुजफ्फर अब्बासी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 2 रेफरेंसेज दायर किए जा चुके हैं, जबकि 6 रेफरेंसेज में तहकीकात चल रही है।